नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, का कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, साधारण ब्याज के बारे में मैंने आप लोगों को सभी चीज़ों को बता दिया है। आपका जो अगला चैप्टर है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पे है दोस्तों। तो ज़्यादा न बात करते हुए चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने साधारण ब्याज के बारे में बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, इसको एक बार आज फिर से समझ लीजिए। देखिए, साधारण ब्याज ये होता था कि जैसे मैंने 1000 रुपये लगाया, तो 1000 रुपये का अगर मैं 10% अगर हमेशा ब्याज लूँ दोस्तों, तो पहले वर्ष भी 100 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 का क्या होगा, 10% 10/100 हो जाएगा, कट जाएगा, आपका आएगा कितना, 100 रुपये। तो पहले वर्ष भी 100 रुपये, और दूसरे वर्ष अगर मैं करूं तब दूसरे वर्ष भी आपको 100 रुपये, और तीसरे वर्ष करूं तो तीसरे वर्ष भी आप 100 रुपये। कुल मिलाकर के आपको 3 वर्ष में कितने रुपए चुकाने पड़े दोस्तों, 300 रुपये ब्याज के रूप में, अगर साधारण ब्याज रहता तो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछता है दोस्तों, तो ऐसा नियम आपका नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसमें क्या करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ, मैंने 1000 रुपये लगाया, अगर मेरे को 3 वर्ष बाद कितने, 3 वर्ष ब्याज, अब ब्याज क्या दर कितना है दोस्तों, 10%, 10% की दर से अगर मेरे को 3 वर्ष बाद कितना रुपए मेरे को ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज में था कि 1000 का एक वर्ष में 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का जो 10% होगा 10/100 हो जाएगा, 2 सुना कट जाएगा, 100 रुपये। तो पहले वर्ष का तो 100 रुपये हुआ। अगर हम जब दूसरे वर्ष में अगर जाएंगे, क्या दोस्तों दूसरे वर्ष में जाएंगे, तो साधारण ब्याज में दूसरे वर्ष में भी मूलधन पे ब्याज लगता था। देखिए ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यह होता है दोस्तों कि साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर भी ब्याज लगेगा और जो आपका ब्याज मिलता है दोस्तों उस पर भी ब्याज लगता है। कैसे, देखिए, अब जैसे दोस्तों दूसरे वर्ष में हम गए, तो देखिए दूसरे वर्ष में 1000 का 10% तो ब्याज हम लेंगे ही, तो इस 1000 का 10% कितना होगा दोस्तों, 100 रुपये। 100 रुपये होगा भाई, 1000 का 10% आपका 100 रुपये आया ना, ये 100 रुपये आया ना। लेकिन ये जो दूसरा वर्ष में, पहले वर्ष में जो ब्याज मिला था 100 रुपये, इस पर भी 10% ब्याज लगेगा। कितना, 10% इस पर भी ब्याज लगेगा। देखिए ये तो 10% हमने निकाला तो 100 रुपये आया, लेकिन देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल रहे हैं, तो देखिए 1000 पे 10% तो लगा ही, लेकिन अब ये जो 100 रुपये है ना, इस पर भी 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 10/100 कट जाएगा, 10 रुपये। 10 रुपये तो दूसरे वर्ष में हमको टोटल ब्याज कितना मिला दोस्तों, 110 रुपये। कितने, 110 रुपये। अब हमको बात करना है तीसरे वर्ष में, क्या दोस्तों, तीसरे वर्ष में। अब तीसरे वर्ष में हम निकालेंगे, तो देखिए तीसरे वर्ष निकालेंगे तो इस 1000 का 10% तो लगेगा ही, तो इस 1000 का 10% आपका होगा कितना, 100 रुपये। कितना होगा दोस्तों आपका, 100 रुपये होगा। लेकिन आपका जो पहले वर्ष ब्याज लगा था, तो इस 10% का भी हमको क्या करना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा, तो कितना होगा, 10 रुपये हो जाएगा। अब ये जो 110 रुपये दूसरे वर्ष का मिला था ब्याज दोस्तों, इसका भी 10% देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 110 का 10% हो जाएगा आपका 11 रुपये। तो टोटल कितने वर्ष दोस्तों, तीसरे वर्ष आपका ब्याज कितना मिला, 110 और 121 रुपये, कितने आपका, 121 रुपये। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको क्या, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपका अंतर क्या हुआ, कि साधारण ब्याज में सिर्फ आपका किस पे ब्याज लगता था, मूलधन पे। देखिए 1000 का 10% 100 रुपये, फिर दूसरे वर्ष 1000 का 10% 100 रुपये, फिर 1000 का 10% 100 रुपये, ये बात समझ में आया। लेकिन चक्रवृद्धि में ब्याज में क्या है, देखिए मूलधन पे तो ब्याज लगा, ठीक। अब देखिए दूसरे वर्ष में जहां हम गए, 1000 पर तो ब्याज लगा 100 रुपये, देखिए इसके ऐसे मैं लिख देता हूं, 1000 का ब्याज 100 रुपये, लेकिन ये जो 100 रुपये है ना, ब्याज रुपया को मिला था, इसमें देखिए 100 रुपये ब्याज मिला था, इस ब्याज पर भी 10% लगेगा, तो इस ब्याज का कितना, 100 रुपये। अब तीसरे वर्ष में हम लोग गए, देखिए तीसरे वर्ष में गए, तो इस 100 रुपये का भी 10% लगा, देखिए इस 1000 का 10% 100 रुपये। अब देखिए इस 100 रुपये का 10% 10 रुपये, अब ये टोटल आपका 110 रुपये हुआ, तो इस टोटल 110 रुपये का 10% 11 रुपये हुआ। तो कुल मिलाकर के चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 3 साल बाद कितने रुपए आपको देना पड़ा दोस्तों, तो जोड़ लीजिए ब्याज, पहले वर्ष का 100 रुपये, दूसरे वर्ष का 110 रुपये, 110 रुपये, और तीसरे वर्ष का 121
इक्कीस रुपये, कितना 121 रुपये। तो 100, 200, 300, 300 और देखिए 10 यहाँ 21 यहाँ, 21 10 31, तो टोटल कितना देना पड़ा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में 331 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा, पड़ा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन को तो ऐसे सॉल्व हम लोग करेंगे नहीं, तो उसका फार्मूला है, उसको फार्मूले को देख लीजिए, आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो इसी को दोस्तों ये जो ब्याज होता है, इस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग सॉल्व करने के लिए उसका फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालेंगे तो उसका कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका फार्मूला आपका होता है, देखिए किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन, ध्यान रखिएगा मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस ये दर, दर बटा के 100, ठीक है दर बटा के 100 की पावर समय, क्या दोस्तों समय। अब माइनस क्या हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों मूलधन, ये बात समझ में आया आपका, 1 प्लस दर बट्टा के 100 के पावर n के पावर माइनस 1, ये होता है आपका, ये क्या होता है आपका दोस्तों फार्मूला होता है, समझ में आया। ये मूलधन जो आपका रहेगा बाहर रहेगा, लेकिन दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्या चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि जब मिश्रधन आपका पूछा जाता है दोस्तों, जैसे चक्रवृद्धि मिश्रधन में का मतलब क्या होता है कि मूलधन और जो आपका ब्याज मिला है, तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका करेंगे दोस्तों तो आपका होता है इसका, देखिए मूलधन, मूलधन इसके बाद 1 प्लस दर बटा के 100 के पावर समय, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला है। पूरे चक्रवृद्धि मिश्रधन में दोस्तों बस यही आपका दो फार्मूला यूज होने वाला है, कितना यही दो फार्मूला यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो बता दिया। जैसे मैंने अगर बात करता हूँ 1000 रुपये का, समझिएगा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि एक वर्ष का अगर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अगर ब्याज क्या हो वार्षिक दर हो, तो एक वर्ष का दोस्तों क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों आपस में बराबर होता है, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। कब बराबर होगा, जब ब्याज की दर क्या होगी आपकी वार्षिक होगी, क्या होगी वार्षिक होगी, तब एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। क्यों कैसे आपको दिखाते हैं, जैसे 1000 रुपये है, 1000 रुपये है, तो देखिए 1000 रुपये का एक वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा है ना, तो इसका 10% की दर से तो 10/100 हो जाएगा, 10/100 कट जाएगा, आपका आया कितना, आपका आया कितना 100 रुपये आया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में अगर वही करेंगे, देखिए 1000 का, अब देखिए 1/100 ना, तो वही हो जाएगा, देखिए 10% है तो समझ, 1000 रुपये है ना, तो 1000 का अगर हम 10% करेंगे तो 10/100 आ जाएगा इसका भी, तो आपका आया कितना 100 रुपये। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और में अगर एक वर्ष का पूछता है, एक वर्ष का अगर ब्याज की दर क्या हो अगर आपकी वार्षिक होगी, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले प्रश्नावली को हम लोग वीडियो में आप सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने आपको बताया है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।